लड़खड़ाते हुए, शराबी शिक्षक अगर ये स्कूल में जाकर शिक्षा देंगे तो बड़े होकर बच्चे क्या बनेंगे, देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट शरद शर्मा के साथ। शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देखिए, शराबी शिक्षक, लड़खड़ाती जबान, लड़खड़ाते कदम, स्कूल में पढ़ा रहे हैं मां साहब, ग्राम सौथर की प्राथमिक शाला में शराब पीकर स्कूल आते हैं मां साहब, डगमगाते कदम और लड़खड़ाती जबान लेकर मां साहब पहुंचते हैं बच्चों के बीच में बच्चों को पढ़ाने के लिए, और यह एक दिन का काम नहीं है, रोज का किस्सा है। अब्दुल्लागंज ब्लॉक में ग्राम सौथर की प्राथमिक शाला के शिक्षक नशे में इतने आदी हो चुके हैं कि स्कूल में भी शराब पीकर पहुंच जाते हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लोगों ने उनके डगमगाते कदम और लड़खड़ाती जबान के साथ वीडियो बना ली। रायसेन की प्राथमिक शाला सौथर में बच्चे शायद बड़े होकर शराबी बने, क्योंकि यही शिक्षा उनको मास्टर दे रहे हैं। और अब्दुल्लागंज ब्लॉक अंतर्गत आने वाले प्राथमिक शाला में दो शिक्षक हैं, जिनमें से एक है गोवर्धन इब्ने मां साहब को शराब की इतनी बुरी लत है कि वह स्कूल में भी तल्ली होकर पहुंचते हैं। हालांकि इनकी इस हरकत से पूरा गांव वाकिफ है, कई बार मां साहब को मना भी किया गया है शराब पीकर ना आया करें, लेकिन वो मानते कहां हैं। जिस स्थिति में वह स्कूल पहुंचते हैं उससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। नशे की हालत में वो खुद अपने पैरों को डगमगाते हुए चलते हैं, आवाज लड़खड़ाती है। मास्टर की यह हरकत तब सामने आई, लोगों ने उनका वीडियो बनाकर वायरल किया। जब लोगों ने वीडियो बनाया तो पहले तो मां साहब मना करने लगे कि मैंने शराब नहीं पी है, और अगर थोड़ी सी पी भी ली है तो क्या हर्ज है, इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है। लेकिन जब मेडिकल कराने की बात उनसे कही गई तो सिर हिलाकर सहमति दे दी और आगे से शराब पीकर आने की बात भी कही। हालांकि इस तरह का वादा मां साहब पहले भी कई दफा कर चुके हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने शराब पीकर स्कूल आना नहीं छोड़ा। ज्यादा परेशानी हुई तो पैसे पीने के लिए मात्रा कम कर दी है, फिर भी एक दो दिन का व्रत तो कर ही लिया जाता है हफ्ते में, लेकिन मां साहब बिना पिए नहीं रह पाते हैं। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि हमने कई बार मां साहब को मना किया था शराब पीकर ना आया करें, लेकिन वे हैं कि मानते ही नहीं। मौसम अच्छा है, बारिश है, आज इसी बहाने शराब पी ली। हालांकि इस बीच लोगों ने वीडियो बनाकर मां साहब को समझा रहे हैं, लेकिन शराब पीकर आए तो अधिकारी को बुलाकर कार्रवाई करा देंगे। इस बीच मां साहब का हिमायती बीच में कूद पड़ा, जिसने पहले से लोगों को वीडियो बनाने से रोका, ऐसा मना करा के वादा किया कि मां साहबों को हम समझाएंगे, आगे से शराब पीकर नहीं आएंगे। लेकिन मां साहब मानते कहां हैं। जी हां, स्कूल में बड़ा रोचक वाक्या भी देखने को मिला। स्कूल भवन के बाहर धूम्रपान निषेध का निर्देश लगा हुआ है और उसी के आगे मां साहब डगमगाते हुए कदमों से क्लास से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब स्कूल में धूम्रपान तो प्रतिबंध है पर मद्यपान नहीं है। ये हमारे शराबी शिक्षक क्या शिक्षा देंगे बच्चों को, थोड़ी सी जो पी ली है। हाँ, फिर पी ले हैं, अब अपन का कह सकें। हाँ, तो आप अच्छे से, आपने एक बार अच्छे से नहीं समझाया होगा। नहीं, हमने बहुत समझावे इनका एक हमने। हाँ, तुम स्कूल जा रहा है, दारू पी क्यों जा रहा है। हाँ, फिर अभी आ गए, अपन का कह सकें, नाम के देवर हैं अभी। अच्छा, लेकिन हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार खोलने पर इंजीनियर से पत्रकार को मिली धमकी, सीईओ के सामने चैंपर में दी गई धमकी। खाचरौद जनपद के बागौड़ी पंचायत में 12 लाख का निर्माणाधीन पंचायत भवन में सभी नियम कायदे कानून और इंजीनियर को दरकिनार करते हुए बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत तत्कालीन एसडीएम गोपाल वर्मा और सीईओ उदय प्रताप को भी दी गई थी। उन्होंने तुरंत काम रोकने के जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन इसमें कोई जांच नहीं हुई और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जब इसकी भनक पत्रकारों को लगी तब इस भ्रष्टाचार से निर्मित भवन की जानकारी सीईओ प्रदीप पाल को बताने गए। सीईओ पाल ने चर्चा चल रही थी, इसी बीच सामने बैठकर इंजीनियर सुनील जैन ने, जी सम्मानीय के भवन निर्माण हुआ है इस पंचायत के भवन है जो, और जो आप मेरे संज्ञान में लाए हैं मैं इसकी जांच भी कराऊंगा,
और आप संबंधित एक आवेदन दे दें, वहाँ सीओ को भी दे दें, मुझे भी दे दें, उसकी हम जांच करा के फिर उसमें आवश्यक कार्रवाई उसमें निश्चित तौर पर करेंगे। सर कैसे चल रहा है इस मामले तो सरकार देख लिया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार से दुर्व्यवहार वगैरह नहीं होना चाहिए तो गलत, लेकिन मामले को देख लिया जाएगा। मतलब इस तरह आपके सामने जो इंजीनियर ने पत्रकार के साथ में बदतमीजी की और व्यवहार गलत किया है, मानने की धमकी दी, तो उसको आप किसे मान सकते हैं? उन्होंने कहा कि आप मेरे चैम्बर में आइए, मतलब वो शायद चैम्बर बुलाए पत्रकार को, इसकी आपके साथ तुरंत कार्रवाई क्या होगी? जो भी वाजिब है किया जाएगा, लेकिन गलत है। आपसे बात करता हूँ, बढ़िया शांति से मैं आपसे बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत सी नहीं। अब आप अधिकारी के सामने, आपके सामने आपके कर्मचारी से पत्रकार से बात कर रहे हैं, बोला मैंने आपने गलत काम करवाया, आपने जांच नहीं करवाई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुनील अधिकारी आज तक मेरे पास में, उसके बाद आप जिला पंचायत में दो ना गया, आप किस काम के लिए आप क्या काम करते हैं इसके लिए? आईडी निकालिए बाबा।